तो भाई मेरे से अगर आप पूछोगे कि ये लगाना मेरे लिए मतलब मीन्स सक्सेस रहा या फेल रहा, तो मैं तो बोलूँगा भाई इस टाइप का तो भाई फेल ही रहा, क्योंकि ये बहुत खर्चा हो गया भाई इसके ऊपर। मीन्स मैंने ये दो दो फ्री व्हील ले ली, जो जो 350 रुपये की थी। ये जो मैंने गियर मंगाया ये 600 रुपये का है, एंड जो चेन मंगाया था ये भी कुछ 350-400 रुपये का था। ये सही से काम करेगा कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना यही वाले चैन में सही से चलेगा, बट जो ये है मीन्स इसको मेरे को ना चेंज कराना पड़े, जो फ्रंट का जो क्रैंक सेट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई एक फ्रेश न्यू वीडियोस में। तो भाई वीडियो का जो थंबनेल देखे आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो देख सकते हो ये जो चीज़ है ना भाई, ये है भाई डिरोलर है जो मैं मंगाया था एक डू इट मिनट करके, एक इनका साइट है। इसमें से इनका जो भी है सब साइकिल का इन्होंने पार्ट्स वगैरह ये सेल करते हैं। इनका एक यूट्यूब में चैनल है, तो वहीं से देख के मैं इनके साइट में जाके ऑर्डर किया था। तो बाकी भी कंपोनेंट्स सब मेरे पास है जो जो गियर लगाने में काम आता है। तो इस चीज़ में तो मैं ना मेरे को जो डिरोलर है वो चाहिए था, जो डिरेलर होता है, सॉरी डिरोलर बोल रहा हूँ, तो जो डिरेलर होता है वो चाहिए था। तो इनके साइड में मुझे एक ना दिखा पेज, मतलब ये बताया कि इनके में ओरिजिनल मिलता है करके, और कहीं पे मेरे को कोई भी साइट में ओरिजिनल लग नहीं रहा था, तो इनका थोड़ा सा जेन्युइन लगा करके मैं मंगाया हूँ। बाकी इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि कैसा है। बाकी इनका शिपिंग बहुत स्पीड से हो गया था, मतलब मैं 4 दिन पहले ही ऑर्डर किया था और ये आ गया है। और ये जो कि आया है पटना बिहार से है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं एंड मैं दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हो इस टाइप का कुछ डिरोलर है इसका, यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह तो किया हुआ है सब, जो इसके व्हील्स वगैरह है शिमानो करके, शिमानो जो कि आपको अगर पता होगा बहुत ही बड़ा ब्रांड है गियर में। गियर मीन्स इनके गियर वगैरह बहुत सही रहते हैं, एंड और भी कंपनी के आते हैं, बट मैं इसको इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे को थोड़ा ठीक लगा। बाकी एज सच देख के ये डुप्लीकेट तो नहीं लग रहा, मतलब ठीक ही ठाक लग रहा है। बाकी मैं एक बार फाइनल जो है ना इसका, ये ओरिजिनल है कि क्या है अनबॉक्सिंग। तो अब सीधा आ गए हैं भाई गियर की, मतलब गियर लगाने की तरफ। तो ये है मेरा साइकिल, एंड आगे देखते रहो कि मैं कैसे इसको ओपन करता हूँ एंड वगैरह वगैरह। एंड उससे सबसे पहले मैं उसका मतलब कंपोनेंट दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ लगने वाला है। तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई ये लगेगा, ये है एक 8 इंची का एक्सल, जो कि ये फ्री व्हील को लगाने के लिए लगेगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा छोटा रहता है, मतलब जो पहले से लगा रहता है। उसके बाद ये लगेगा एक फ्री व्हील, ये 7 गियर वाला फ्री व्हील है। एंड उसके बाद लगेगा ये चैन, गियर वाली जो चैन है ये थोड़ी पतली होती है, जो कि इसमें जो थोड़ी सी मोटी लगी है थिक, तो इसलिए पतली चैन लगेगी। ये डिरेलर लगेगा, एक चेंजर लगेगा, एक ये मीन्स गियर का जो वायर इसमें घुसेगा उसके लिए एक ये लगेगा, मीन्स एक वायर बाहर वाला जो कवर था, तो ये मुझे कवर खाली मिला नहीं, तो इसके लिए मैं पूरा ये वायर से ले लिया हूँ, 50 रुपये का पड़ेगा मेरे को ये। एंड ये गियर का प्रोटेक्टर लगेगा जो इस मेथड से लगे रहेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं सबका प्राइसिंग आपको लास्ट में बताऊँगा मेरे को क्या कितने का पड़े। तो भाई आप देख चुके हो मैं जो ये डिरेलर का जो अनबॉक्सिंग किया हूँ, एंड मैं सीधा आ गया हूँ साइकिल की तरफ में। अब मैं पूरा जो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको मतलब खोलना वगैरह है, एंड वापस से कैसे पूरा गियर वगैरह के साथ फिट करना है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना। एंड मैं वीडियो को कोशिश करूँगा कि जितना हो सके छोटा से छोटा रखूँ, एंड पूरा आपको सब कुछ इसमें कवर कर पाऊँ। उससे पहले सब मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैं कंपोनेंट यूज़ होने वाला है, एंड इसका जो भी प्राइसिंग रहेगा मैं लास्ट में रिवील करूँगा, तो वीडियो पे बने। भाई मैं साइकिल को ना उल्टा कर लिया हूँ, एंड सबसे पहले ना ये जो लगे हुए हैं जो लेग गार्ड है, मतलब मीन्स पैर रखने के लिए, इसको मैं पहले खोल लूँगा। टायर निकालने के बाद ना भाई इसको मैं जो है अच्छे से पेट्रोल या जो भी थिनर वगैरह हो गया उससे पूरा एक ग्रीस जो है क्लीन कर लूँगा। एंड ये जो चेन खोलने के लिए ना भाई ऐसा टाइप का आपको एक खोजना पड़ेगा जहाँ पे ये चेन फंसा होगा, दिख रहा होगा ये चेन फंसा है, इसको हम प्लास की मदद से या
जो भी नोज प्लस की मदद से ये जो लॉक है इसको ऐसे करके खोल लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ग्रीस लगा हुआ था, मतलब बहुत डर्ट था ये चैन में। तो भाई यार देख सकते हो ये जो क्लिप है ना भाई, इसमें से निकल गया है। ये स्टेप से मैं नोज प्लास की मदद से ये ऐसा फंसे रहता है, ये बाहर आ गया। तो अब मैं जल्दी से देखो चैन को निकाल सकता हूँ। ये जो है ना यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा सा खींचोगे तो ये बाहर आ जाता है, इस टाइप का है। देन चैन भी यहाँ से ऐसे करके बाहर आ जाता है। तो ये जो चैन है इसको मैं ऐसे पूरा निकाल लूँगा। देन मैं इसको क्लीन करूँगा, देन मैं इसको दिखाता हूँ कोल्ड एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ये आपका जो ये है इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो भाई इसको ना भाई मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ इसको, और ये जो पैडल का यहाँ पर का जो रहता है, जो फ्रंट वाला जो क्रैंक इसका वो रहता है, गियर रहता है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से पेट्रोल साफ़ कर लियो। अब इसका करने वाले कोल्ड एक्सपेंशन, उसके लिए ना भाई इस टाइप से ये जो 8 इंची का जो मैं ये लेके आया हूँ, इसको लेके ना भाई इसके अंदर पहले से डालेंगे, मैं इसको फंसाएंगे सबसे पहले। देन इसको हल्का सा ऐसे करके ना भाई इसको ऐसे फंसाएंगे। देखो तो ये फंस गया है। देन इसके बाद ना हम लोग इसके मदद से ना भाई इसको बोल्ट को जो है टाइट करेंगे, मीन्स बाहर की तरफ करेंगे बोल्ट को। तो भाई ये जो है ना हमने इक्वली तो भाई ये जो है ना ये मैंने इक्वली फैला लिया है, मीन्स इसको टाइट कर दिया है, देख सकते हो। एंड इसको इक्वली ही करना रहता है, मीन्स जितना डिस्टेंस यहाँ पे छूटा है उस हिसाब से मैंने इक्वली कर लिया। एंड मैंने थोड़ा सा उसका लेंथ नाप के उसको इक्वली ही टाइट कर दिया है। एंड इसको मैं 2 घंटे तक तो छोड़ दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फैल जाए। तब तक मैं दिखाता हूँ कि टायर में फ्री व्हील लगा है उसको निकाल के जो गियर वाला फ्री व्हील है उसको कैसे लगाते हैं। तो भाई सबसे पहले ना भाई यहाँ पे ऐसे खांचा बना हुआ है, इसको घुमाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले ना यहाँ पे ऐसे खांचा बना हुआ है, इसको घुमाना पड़ेगा, मीन्स इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा। तो मैं इसकी मदद से घुमाऊँगा। एंड इसको लगाया ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो ये जल्दी से निकल भी आएगा। अगर आपका अगर ये पुराना होगा ना भाई तो यहाँ थोड़ा सा WD डाल देना, या थोड़ा सा पेट्रोल भी डाल सकते हो। देख सकते हो मेरा ढीला हो गया हल्का सा। एक बार मैं इसको ऐसा हथौड़ी मार रहा हूँ तो मैं इसको भी हाथ से भी खोल सकता हूँ। ये देखो ऐसे करोगे ना तो ये निकल के आ जाता है बाहर। तो भाई जो फ्री व्हील है ना ये निकल के आ गया, एंड देख सकते हैं कैसे चूड़ी टाइप से है। तो इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगा। देन मुझे ये भी बाहर निकालना है, ये जो दिख रहा है तभी मैं वो मीन्स इसका जो रॉड है इसको मैं डाल सकूँ। साफ कर लिया हूँ। एंड अभी मैं देखा तो ये स्पोक भी टूटा हुआ था, तो मैं कुछ टाइम बाद ऐसे भी इसका मीन्स इसमें डिस्क ब्रेक लगाने वाला हूँ, तो ये चेंज करना पड़ेगा। उसी टाइम मैं ये स्पोक भी नया लगवा लूँगा। एंड उसको भाई मैं खुद से चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को जाकर साइकिल स्टोर में चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा निकालना पड़ता है मेंस स्पोक। एंड नया वाला ये जो इस पॉकेट है नया लगता है डिस्क ब्रेक वाला फंसाने का, तो इसलिए मेरे को पूरा पॉकेट चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये सब तो सेम ही रहता है, उस पॉकेट के साथ ही वो गियर लग जाएगा, बट मैं अभी सिर्फ सिंपल गियर लगाऊंगा। तो भाई मुझे कोल्ड एक्सटेंशन करे हो गया है भाई 2 घंटा, तो मैं अब इसको निकाल लेता हूँ। देन इसके बाद इसको जो है ना भाई मैं वो टायर पे लगाऊंगा, तो इसीलिए मैं उसमें रुका हुआ था उसको ना, तो उसको मैं पहले भी सेटअप करके रख देता। तो भाई मैं इसको निकाल लिया हूँ, इसमें अच्छा खासा गैप बना दिया हूँ। एंड अभी मैं इसको जो है ना भाई वो व्हील दिख रहा है उस पर लगाऊंगा। तो भाई मैंने ना इसको निकाल लिया है इसमें से, एंड इसमें जो है ना कितना
छर्रा रहता है, मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ठो रहता है इसमें, वो जो छर्रा है मीन बॉल्स। तो बड़ा वाला जो इसका ये है मीन्स ये रॉड है, इसको मैं डाल दूंगा। तो उससे पहले ना भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रीस लगा दूंगा इसका, अरे बीच में भी। भाई मैं ग्रीस व्रीस लगा ली हूँ। बहुत ही सावधानी से डालना रहता है यहाँ। देन इसको मैं टाइट कर दूंगा। तो भाई इसको ना भाई पूरा लगाने के बाद पूरा टाइट नहीं करना है ताकि ये घूम पाए। देन इसको वहाँ रोके रखने के लिए ना भाई ये छोटे वाले ये दिए रहते हैं, इसको टाइट कर देना। ये इसको पूरा फुल टाइट कर देना ताकि ये बाहर ना आए, मीन्स से हिले ना ये रॉड। इसके लिए ये दिए रहते हैं, इसको आप पूरा टाइट कर दोगे तो फिर एक ही जगह पे स्टेबल रहता है एंड ये ऐसे घूमेगा। देन उसके बाद ये लगा दूंगा। एक और अगर चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ताकि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना ये बन सके। तो भाई व्हील को साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये डिरेलर को लगा लेना है। उससे पहले उसके लिए कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। देखो डिरेलर का जो पीछे का रहेगा ना, मीन्स पीछे का जो वॉशर रहता है वो कुछ इस टाइप का है। तो उसको ऐसा यहाँ पे ऐसा फिक्स हो जाएगा ये उसका वॉशर। देन इसको यहाँ पे ऐसे अलाइन करके स्क्रू को लगाना है। ये जो डिरेलर है ना भाई फुल टाइट हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ गैपिंग बनेगा। तो इसमें हम लोग को ये व्हील को बिठा देना है, ऐसा जाना है सिंपली, ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि कोल्ड एक्सपेंशन किया हुआ है। तो भाई कुछ हल्का स्टेप्स होगा एंड ये बैठ जाएगा। बोल्ट्स थे इनको यहाँ पर लगा लेना। इसके पीछे वॉशर डला हुआ है। करने से पहले सबसे पहले ये देख लेना है कि एकदम व्हील सीधा अलाइन है कि नहीं। तो भाई मैंने ना साइकिल को जो गियर है उसको लगा लिया एंड इसको अब मैं खोलूँगा ताकि मैं यहाँ पे चेंजर को लगा सकूँ। इसको ढीला करूँगा। इसको ढीला करना पड़ेगा ताकि फ्रंट ब्रेक निकल पाए। तो भाई ये निकल गया। इस वायर को भी निकाल लेना, देन ये बाहर आ जाएगा। ये जो है ना हमारा, इसमें मैं ब्रेक को टाइट कर दिया। अब इसके लिए मैं ये जो लेके आया था तो इसका जो वायर है इसको निकाल दूंगा अंदर से।
ये जो है निकाल दिया मैंने, एंड अब इस वायर को डाल दो, देन ये जो है ना उसको मैं यहाँ से निकालूंगा। तो भाई यहाँ से ये निकालने के बाद मीन्स वायर को यहाँ से मैं एक टाई बेल्ट से बांध दिया, देन यहाँ पे जब आओगे ना तो ये दिख रहा होगा, यहाँ से मैं पार करा के इस पे टाइट कर दिया था बहुत ही अच्छे से खींच के। देन ये जो है ना भाई, ये इसके ऊपर मैं इसको लगा के डायरेक्ट टाइट कर दिया हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो है अभी 6 गियर का है, क्योंकि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आया था बता रहा हूँ मैं कल कर रहा था इसको, फिर मैं आज मैं इसका फाइनल रिव्यू दे रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इसको 7 गियर का लगाया था एंड पतली चेन लगाया था, तो ये कुछ है 60 या शायद कुछ टूथ रहता है उसके वजह से, मतलब कुछ रहता है कि पतली वाली चेन ना इसके ऊपर चढ़ नहीं रही थी, मतलब घूम नहीं रही थी प्रॉपर, कुछ देर तक दूर तक चढ़ रही थी फिर इसमें नहीं चढ़ रही थी। तो मैंने पुराने वाली चेन पे अलग से लिंक ऐड किया है, कम से कम इतना बड़ा, एंड जो पुरानी साइकिल में मोटी वाली चेन लगी थी उसी को लगाया। देन 7 गियर में इसको मैं इसको चलाया तो फिर यहाँ पे ये चेन जो है नहीं चल रही थी क्योंकि मोटी चेन है करके, तो मैं 6 गियर जो गियर का जो फ्री व्हील है उसको इसमें लगाया, जैसे मैं दिखाया हूँ सेम ऐसे ही मैंने इसको लगाया फ्री व्हील को वापस से, एंड चेन को भी वैसे ही वापस से मैं लगा दिया। देन अभी जो है गियर प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे टाइट किया हूँ, तो देखो ये प्रॉपर अलाइन है गियर। एंड हाँ, थोड़ी सी गंदी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इस पर चेन ल्यूब मारा है, देख सकते हो। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता, बट इसमें एक थोड़ा सा ना मीन्स वैसे बाहर छोटे छोटे हेयर से इसे बन रहे हैं, तो इसलिए मैं चेन ल्यूब मारा हूँ। एंड मैं इसको प्रॉपर आपको वर्किंग करा के दिखा रहा हूँ कि गियर कैसे काम कर रहा है। तो भाई देख सकते हो प्रॉपर वर्क कर रहा है गियर। एंड यहाँ पे जो है आपको जो इसके इसके बारे में जो है जो एडजस्ट करने का है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे एडजस्ट करते हैं ताकि चेन जो है आपका साइड में ना गिरे, मीन्स जो चेन है आपका इस साइड ना फंस जाए या इससे इधर ना गिरे, तो उसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा इसके सेटिंग के लिए। तो भाई अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हो ना, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप भी गियर लगाना चाह रहे हो तो मुझे ज़रूर बिल्कुल से बिल्कुल कमेंट करके बताना। एंड इसका अगर जो भी लिंक, अगर मुझे मतलब मीन्स इसका जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसका जो भी मैं लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा परचेज लिंक। कुछ कुछ मैं इसमें ऑफलाइन कर दूँ, कुछ कुछ ऑनलाइन कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन मेरे को जितना मिलेगा सबका मैं लिंक वगैरह मैं डाल दूँगा। पसंद आया होगा ना भाई, तो चैनल को बिल्कुल से बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो भाई मैं सब चीज़ का एक बार प्राइसिंग आपको बता दूँ। ये जो है भाई, ये जो चेंजर मैंने लिया है ये लिया है 650 का, जो कि इसका रेट नहीं है। एंड ये आप अगर गौर करोगे ये रियल शिमानो का नहीं है, मेरे को डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट मिल गया था ऑफलाइन मार्केट से, एंड मुझे तब उतना नॉलेज नहीं था करके मैं ले लिया हूँ। बट आप ओरिजिनल शिमानो का भी लोगे ना तो भाई आपको दोनों साइड का गियर मिला के 750 या 800 करीब करीब का पड़ेगा, बट मैं ले लिया हूँ करके मेरा नुकसान हो गया। एंड इसके साथ ही ना भाई, ये गियर वाली जो वायर थी वो थी अंदर वाली बट आउटर नहीं थी, तो मैं आउटर अलग से लिया हूँ, ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा हूँ, मुझे 50 रुपये का पड़े हैं। एंड ये मैंने चेन भी ख़रीदा था जो कि पतली वाली चेन थी, वो मेरे को 200 के पड़ी है, बस मेरे को कोई भी काम नहीं आया वो चेन का, तो चेन को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो समझ लो अभी तक 700 का हुआ है। एंड ये जो फ्री व्हील है ये मैं दो ले लिया था, पहले एक तो लिया था 350 का जो 6 गियर था ये जो लगा हुआ है, एंड फिर बाद में मैंने 7 गियर का लिया है वो भी 350 का ही था, तो एक्चुअली मेरे पास दो हो गया, बट मैं एक का ही काउंट करूँगा जो मैंने लगा है इसमें, तो 350 और काउंट कर लेते हैं, तो हो गया 1050 रुपीज़।
देन ये जो अलग से दिख रहा है ना आपको, ये जो लगा हुआ है ये भी 50 रुपीज़ का लिया है, जो गियर प्रोटेक्टर है। एंड ये जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो ये मेरे को पड़ा है 600 का। तो पहले का इसका इसका मिला के 50, मतलब 1100 हो गया। एंड ये 600 मीन्स आपको टोटल हो गया 1700 का। तो मुझे ये पूरा लगाने में भाई 1700 का खर्चा पड़ा है। बट आप अगर इसको अगर मैं कम का अगर समझ लो ओरिजिनल लगाता, एंड अगर इसको अगर मैं कम का मिल जाता तो अराउंड ये समझ लो 350 का है। तो आपको वही समझ लो, ये जो शिमानो का ये गियर ओरिजिनल लगा के अराउंड अराउंड 1500 में ये पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता। बट थोड़ा थोड़ा भाई बजट का मेरा वो हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार लगाया है। एंड देख ही सकते हो, एंड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हाँ, इसका सेटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सेटिंग बताऊंगा कि इसको कैसे सेटिंग करते हैं, ये जो गियर का ये जो हाई लो वाला स्क्रू रहता है, एडजस्टर वाला, एंड प्रॉपर जो भी रहेगा उसके लिए भाई कमेंट कर सकते हो अगर नहीं समझ में आएगा तो।